हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फोर्थ लेक्चर को देखने वाले हैं। हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे, जिसमें हम इस वीडियो में हम जिस टाइप के बारे में देखने वाले उसका नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टाइम हमने देखा था, उसके पहले हमने देखा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमने देखा टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारी थर्ड टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है सर्वर। अगर हम नेटवर्क को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सर्वर। अगर आप बात करते हो कि जब भी आप हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इंटरनेट की अगर स्लो स्पीड स्लो होती है तो हम बोलते हैं ना नेटवर्क इशू आ रहा है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। ये वही नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब सर्वर। जब भी हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में। जो इंटरनेट हम जो हम वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट की जो जितनी डेटा होती है वो किसी ना किसी सर्वर पर मौजूद होती है। आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो यूट्यूब की मैंने अपनी वीडियो अपलोड की, वीडियो कहाँ पे अपलोड हुई? यूट्यूब के सर्वर पे। तो ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो पूरा इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पॉइंट्स, सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो रन्स ऑन ए सर्वर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सर्वर पे रन करता है। सर्वर पे रन करता है मतलब क्या है कि जो भी जितनी भी इसके काम होती है वो सारे इंटरनेट पे होती है, इंटरनेट पे होती है या फिर नेटवर्क पे होती है। नेटवर्क इंटरनेट और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। तो इसकी जो सारा काम होता है वो सर्वर पे होता है, सर्वर बोलते हैं इंटरनेट या फिर नेटवर्क पे होती है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं, मैनेज डेटा एंड ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी यूजर्स। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क पे एक यूज़र नहीं होते, बहुत सारे यूज़र होते हैं। सपोज करो आपकी एक ऑफिस है, वहाँ पे 20 वर्कर काम करे आपकी, या फिर आपके 20 क्लाइंट हैं, तो वो आपके अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक बेस सिस्टम करते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, उससे हम नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं सारे में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाईफाई कनेक्शन। जब भी आपके घर वाईफाई लगता है तो एक मिडल पॉइंट होता है जहाँ पे हम अपना कंट्रोल पैनल बोलते हैं। मतलब एक वाईफाई कनेक्शन अगर आपकी बिल्डिंग में आई, वहाँ पे 10 फ्लैट में एक वाईफाई देना है, तो एक उनका कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से 10 फ्लैट में वाईफाई देते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सेम उसी प्रोसेस पर काम करता है कि यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल होता है, वो सारे क्लाइंट सारे यूजर्स को वही सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सेस। शेयरिंग ऑफ एक्सेस का मतलब क्या होता है? देखो, शेयरिंग ऑफ एक्सेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम शेयर करते हैं अपनी डिवाइसेस को, अपने कॉम्पोनेंट्स को, अपने फाइल्स को, अपने एप्लीकेशंस को। सपोज करो कॉम्पोनेंट की हम बात करें, डिवाइस की, प्रिंटर, मोनिटर, हम मोनिटर शेयर करते हैं, हम प्रिंटर शेयर करते हैं, हम और भी फैक्स मशीन को शेयर करते हैं, हम फाइल्स को शेयर करते हैं, हम एप्लीकेशन को शेयर करते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा? एफटीपी कनेक्शन। एफटीपी कनेक्शन के थ्रू आप अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हो बिना किसी यूएसबी केबल के, बिना किसी पोर्ट्स के। इसके बाद हम बात करते हैं अल्सो कॉल्ड टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसकी जो फोर्थ पॉइंट है वो अल्सो कॉल्ड टाइटली कपल्ड सिस्टम। टाइटली कपल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल होता है और बाकी सारे नेटवर्क इससे अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइटली कपल्ड। अगर आप एक भी सिस्टम में अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो उसकी ट्रैक कंट्रोल पैनल के पास होती है, या फिर हर एक सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना कंपलसरी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कोशिश करना कि इस तरीके से लिखना, पॉइंट वाइज लिखा करो क्वेश्चन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ये पहली पॉइंट है, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट, अगर आपको इस पर और भी अपने मन से ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो। अगर रन्स ऑन ए सर्वर की बात करें तो आप सर्वर को पहले डिफाइन करो, फिर रन्स ऑन ए सर्वर लिखो। आप अपने तरीके से आंसर्स को बना सकते, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि टॉपिक को समझना। आंसर को आप अगर याद करोगे तो आपको 3 से 4 लाइन आप याद करोगे, पर अगर आपने टॉपिक को समझा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट लिख दोगे कि हाँ यार नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्वर पे होता है, तो आप बहुत चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एफटीपी का, यूट्यूब का, वेबसाइट का, आप सारे एग्जाम्पल डाल सकते हो, आपको 100% मार्क्स मिल सकता है इसमें। इसके हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसे अगर जब भी एग्जाम की बात करते हैं एमएसबीटी डिप्लोमा की, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर भी बताना पड़ता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता कैसा। सपोज को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं अभी। ये कंट्रोल पैनल है हमारा, सपोज करो ये हमारा कंट्रोल पैनल जहां से सारे नेटवर्क हम एक्सेस करेंगे, ये हमारा बेस नेटवर्क बोलेंगे, और ये सारे क्लाइंट इससे कनेक्टेड होते। तभी हमने बोला था टाइटली कपल्ड सिस्टम, इसको हमने बोला था क्लाइंट, हमने इसका नाम 1 2 3 4, ये जो सारे क्लाइंट्स हैं सारे इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है।
तो ये है कॉन्सेप्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि एक कंट्रोल पैनल होता है और सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड होते हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट बदल भी सकते हैं, यहाँ पे 5 हो सकती है, यहाँ पे 6 हो सकती है, तो नंबर ऑफ क्लाइंट बदल सकते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि एक कंट्रोल पैनल होगा, बाकी सारे क्लाइंट होंगे। ये डायग्राम आपको 100% याद रखना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सबसे ईजी से ईजी डायग्राम बताऊँ। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत और भी टफ़ टफ़ डायग्राम है इंटरनेट पर, बट मेरा ये ट्राई रहता है कि आपको सबसे ईजी डायग्राम बताऊँ। हम अपने टाइम में भी एग्ज़ाम में यही सारे डायग्राम्स को यूज़ करते थे, मैं अपने नोट्स में इसी डायग्राम को यूज़ किया हूँ, मैं पेपर में भी इसी डायग्राम को यूज़ किया था, और मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते थे। इस वजह से कि आपकी जो डायग्राम होती है, अगर आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप ये पॉइंट लिखो, ये डायग्राम बनाओ, सफिशियंट है। उसके अलावा आपको एक भी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है 4 मार्क्स के लिए। अगर आपको 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज डालना कंपलसरी हो जाता है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हर वीडियो में कोशिश करो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आपने डाला तो आपको वहां पर 1 मार्क्स भी कट नहीं होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या एडवांटेज होती है, क्या डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3-3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज भी याद होता है, तो एग्ज़ाम में आपके 1 भी मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर एक टॉपिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप ज़रूर याद रखें। सबसे पहली एडवांटेज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सिस्टम। हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है, उसके सब कनेक्टेड होते हैं। जब एक सेंट्रल सिस्टम सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है या फिर हैंडल करता है, तो वो काफ़ी स्टेबल होता है। जो इसकी सेंट्रलाइज सिस्टम होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल थ्रू सर्वर्स। जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सिक्योरिटी मेंटेनेंस होती है, उसको हम सर्वर से हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, अगर किसी भी क्लाइंट के सिस्टम में, किसी भी क्लाइंट के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आती है, हम उसको सर्वर से ही हैंडल कर सकते हैं। जितनी भी सिक्योरिटी हमें एक्सेस देनी वो हम अपने सर्वर से ही दे सकते हैं। सर्वर कैन एक्सेस रिमोटली। सपोज करो आपके पास एक सेंट्रल सर्वर है इंटरनेट पे है, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग सिटीज़ में है, कंट्रीज़ में है, या फिर अगर आपकी एक ऑफिस भी है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स शेयर किया, आप उसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो इस सर्वर्स को। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर एक जगह पे एक्सेस किया, आपकी कोई सिस्टम है तो आप उसी पे एक्सेस कर सकते हो। नेटवर्क का मतलब ही होता है, सर्वर्स का मतलब ही होता है मोस्टली काम ऑनलाइन, तो इस वजह से आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। तो रिमोटली का मतलब होता है आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लाइकवाइज जितने एडवांटेज होते हैं उससे भी ज़्यादा या फिर उतने ही डिसएडवांटेज भी हर एक सिस्टम में होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वैसे ही आपको डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिलेंगे। डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, सर्वर्स आर कॉस्टली। थोड़ा सा महंगा होता है सर्वर इसका। जाहिर सी बात है कि मैं आपको प्राइस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइस कितना होता है, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। बट डिसएडवांटेज इसका कि नेटवर्क सर्वर्स आर कॉस्टली। क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर आप सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसको समझते हैं कि हम जो अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, फिर हम अपने नॉर्मल मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में चला रहे हैं, वो बस हमारे यूज़ के लिए। पर जब जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ करें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कितने क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, कितने नेटवर्क्स को हैंडल कर रहा है, उस वजह से जो इसकी प्राइस है वो कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होती है। बात करते हैं यूज़र्स हैज़ टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे जो रिमोटली सिस्टम्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे नेटवर्क्स हैं, सब नेटवर्क्स जिनको बोलते हैं, वो एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, तो जो सारे सिस्टम हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल सिस्टम पर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब उन पर ही वो। अगर सपोज करो कि हम सेंट्रल सिस्टम से किसी के एक्सेस को बंद करते हैं, तो वो वहाँ यूज़र बिना सेंट्रल सिस्टम की हेल्प के उस अपने सिस्टम को या फिर अपने नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो सारे नेटवर्क्स हैं, सारे सिस्टम हैं, वो सेंट्रल लोकेशन पे, जो सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है उस पे ही डिपेंड करता है। अगर सपोज़ करो आपके एक नेटवर्क का 10 क्लाइंट है, सेंट्रल सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जो पूरा जो 10 क्लाइंट है आपका, वो बर्बाद हो सकता है, वो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड डिसएडवांटेज की, मेंटेनेंस एंड अपडेट्स रिक्वायर्ड रेगुलरली। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंटेनेंस एंड अपडेट्स बहुत ही रेगुलरली हमें देखना पड़ता है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो हर चीज़ रियल टाइम में चीज़ें होती है। अगर आपके 10 क्लाइंट हैं, 10 नेटवर्क्स हैं आपके, तो वो हो सकता है कि जो 10 नेटवर्क है वो अलग अलग काम करें, अलग अलग तरीके से काम करें। तो जो हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों पर, कि कोई भी बग नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, ताकि जो हमारे क्लाइंट है, फिर जो नेटवर्क जो हमसे जुड़ा हुआ, जो इंटरकनेक्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। उसकी वजह से हमें नेटवर्क की जो मेंटेनेंस और अपडेशन है वो रेगुलरली करनी पड़ती है। तो ये तीन डिसएडवांटेज थे, ये तीन एडवांटेज है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी थी, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताया था, वो डायग्राम और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज से था। कुछ भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो आपको MSBT डिप्लोमा में पढ़ना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं बस MSBT डिप्लोमा के ही सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि आप अभी कॉलेज जा नहीं सकते हो, आपकी पढ़ाई स्टॉप हुई हुई, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको आपके घर तक कंटेंट पहुंचाऊं इस चैनल के माध्यम से। बहुत जल्द आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है बुक्स की। हम डिजिटल बुक्स लॉन्च करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर और सारे सब्जेक्ट्स पर, डिप्लोमा के, कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब पे डिजिटल बुक्स लॉन्च करेंगे, अपने नोट्स लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स आपके लिए आएंगे, थ्योरी पेपर के भी हम क्वेश्चंस खुद से आपके लिए प्रीलियम सेट करेंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले प्रीलियम नहीं लेते हैं MSBT में, ये एक बहुत बुरी चीज़ है। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि कॉलेज वाले प्रीलियम नहीं लेते हैं। कुछ कॉलेज लेते हैं, कुछ कॉलेज नहीं लेते, बट आपका भाई आपके लिए प्रीलियम के पेपर को सेट करेगा। और आपको मेरी वेबसाइट पर प्रीलियम के पेपर्स बहुत जल्द मैं अवेलेबल कराऊंगा एग्जाम टाइम में, ताकि आपको प्रीलियम की तैयारी आप खुद से कर लो। और आप आंसर्स लिख के मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो, मैं आपके आंसर्स को चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कहां गलती की, कहां गलती नहीं की है। सारी चीज़ें हम इस चैनल पर करने वाले हैं, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा पुश होगा। और एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि एक ऐसा वीडियो बनाओ कि हमें स्कोर को कैसे पुश करना है, मतलब हमें मार्क्स कैसे बढ़ाने, 75% उसका रिजल्ट आया लास्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। उसने बोला मुझे अच्छे कॉलेज चाहिए, तो मुझे कैसे मार्क्स को पुश करना है। तो मैं उसके लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इस चैनल पर मैं ऐसा एक वीडियोज़ बनाऊँगा, बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं MSBT डिप्लोमा एग्ज़ाम की एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करूँगा। तो उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहो, आपको सारे कॉन्टेंट्स डिप्लोमा और डिग्री के मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि मेरे को भी एक सपोर्ट मिले। अगर आप एक टीचर हो तो इस वीडियो को अपने स्टूडेंट से शेयर करो, ताकि उनको भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स मिले और मुझे भी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट मिले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।